प्राउडली आप लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं क्रेटॉन फ्रॉम मध्य प्रदेश, ये इंदौर से आई है। प्राउडली वर्ड इसी के लिए दोस्तों, जिस तरीके से कार आप देख रहे हैं ना, उस तरीके से हमारे पास नहीं आती है। प्राउडली इसी के लिए क्योंकि ये बेस वेरिएंट है, सबसे सस्ता मॉडल है कंपनी का। कंपनी बोलती है ना ही अलॉय देंगे, ना ट्रियो देंगे, ना लग्जूरियस इंटीरियर देंगे, ड्यूअल टोन हम तो कुछ भी नहीं देंगे, ये बेस वेरिएंट है। लेकिन कस्टमर बेस वेरिएंट लेता ही इसी के लिए क्योंकि हम उसे क्रेटॉन में अपग्रेड करके देते हैं। साइड प्रोफाइल ऑफ द कार दोस्तों, 18 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील इंस्टॉल किए हैं। 18 इंचेस के साथ एक लुक, रोड प्रेजेंस अलग ही है, और ये परफॉर्मेंस अलॉय व्हील्स आते हैं दोस्तों। लेकिन ये 18 इंचेस के अलॉय व्हील का मेन स्टैंड आउट कब आता है, जब ये कार को हम ड्यूअल टोन कॉम्बिनेशन के साथ करते हैं और साइड की जो गन मेटल कलर की स्किड प्लेट्स इंस्टॉल करते हैं। ये जो अलॉय व्हील्स आते हैं ना दोस्तों, ये गन मेटल कलर के आते हैं, और इसी के लिए हर वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ साइड की स्किड प्लेट, ये कंटिन्यूटी के साथ आती है। अगर हम साइड की स्किड प्लेट नहीं लगाएंगे ना, साइड प्रोफाइल अधूरा है। ड्यूअल टोन कॉम्बिनेशन में दोस्तों, जो साइड के जो सिल्वर कलर के पैनल्स हैं वो हम रिप्लेस करते हैं नाइट एडिशन के साथ। आउटर हैंडल्स भी हमने रिप्लेस किए हैं, ये कोई स्टिक ऑन हैंडल्स नहीं है। और दोस्तों फील चाहिए, इंटरनल एक्सटर्नल क्रेटॉन बोला तो टोटली लग्जूरियस आप लोगों को आएंगे। मिरर के DRLs भी हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल किए हुए हैं, और जो लेंसेज आते हैं दोस्तों वो भी हमने इंडिकेटर के साथ इंस्टॉल किए हैं। ये ब्लू लेंसेज आते हैं, और ये जो लेंसेज हैं ये लग्जूरियस कार में आते हैं। फ्रंट प्रोफाइल ऑफ द कार में ट्रियो हेडलाइट्स, ट्रियो हेडलाइट्स ही क्यों, क्योंकि इसकी जो DRLs हैं वो काफ़ी ब्राइटर और ब्रॉडर आती है। DRL मतलब डे टाइम रनिंग लाइट, दिन में भी अगर ये चले तो पहचानी जाती है कि क्रेटॉन आ रही है। ग्रिल हमने रिप्लेस की है दोस्तों, और फ्रंट बैक और साइड की जो स्किड प्लेट्स आती है जेन्युइन, वो हमने इंस्टॉल की है। फ्रंट प्रोफाइल साइड प्रोफाइल दोस्तों, ये तो टॉप एंड में भी ऐसा लुक नहीं आता है जो हम इनको करके देते हैं। लेकिन जो ड्यूअल टोन कॉम्बिनेशन जो हाई ग्लॉस PPF करते हैं और वाइट कलर के साथ, एक अलग ही स्टैंड आउट आता है। रियर प्रोफाइल ऑफ द कार में टेल लाइट्स भी हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल की है। इसके पार्किंग मोड जो है ब्राइटर और ब्रॉडर आते हैं, और जो ब्रेक मोड आता है वो LED आता है, और जो ई वेरिएंट में आता है वो रेगुलर जो है बल्ब लग के आते हैं। प्लस ये कार में जेन्युइन शार्क फिन एंटीना विथ 100% FM वर्किंग के साथ है, और आन बान शान रियर की स्किड प्लेट भी हमने इंस्टॉल की है, और ब्रेक मोड भी आप चेकआउट कर सकते हैं कि ये LED के साथ आते हैं। अब आएंगे इंटीरियर में दोस्तों, लग्जूरियस इंटीरियर बाय द विगाटो हर कार का कमाल का रहता है। चारों जो ट्रिम्स हैं हमने हाई ग्लॉस ब्लैक कलर की है विद द रेड एसेंट्स के साथ दोस्तों। ये ट्रिम्स बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। इनर हैंडल्स भी हमने रिप्लेस किए हैं चारों डोर की लेदर की पैडिंग। रियर पैसेंजर के लिए कोई चार्जिंग पोर्ट नहीं आता है, वो भी हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल किया है। रियर सीट की हमारी सीट कवर की फिट फिनिशिंग आप चेकआउट कर सकते हैं। ड्यूअल टोन कॉम्बिनेशन के सीट कवर इंस्टॉल किए हैं। सेम कलर की मैट्स भी हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल की है, लैमिनेशन वगैरह हमने किया ही नहीं है। फ्रंट की भी जो ट्रिम्स है जो हाई ग्लॉस ब्लैक कलर की हम जो करते हैं दोस्तों, ये एक नेक्स्ट लेवल है। दिस इज कॉल्ड द लग्जूरियस। इसी के लिए बोलता हूँ हमारी क्रेटॉन टॉप एंड से भी बढ़िया है। अभी टॉप एंड से बढ़िया कैसी है, इंटीरियर उसमें मैट फिनिश का आता है, ये हाई ग्लॉस आते हैं। मिरर्स हमने रिप्लेस किए हैं विद द ट्रिम के साथ, वन टच के साथ है। लेकिन फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस ये है द सुपर स्पोर्ट स्टेयरिंग। हर वीडियोस में आप देखते हैं, मेरे हर वीडियोस में आप देखते थे द मस्क्यूलर डी कट स्टेयरिंग, ये सुपर स्पोर्ट्स है। आप इसके कट्स देख सकते हैं, इसके मोल्ड्स देख सकते हैं, ये असली लग्जूरियस है। AC के जो वेंट्स हैं लेफ्ट राइट एंड सेंटर, वो भी हमने हाई ग्लॉस ब्लैक कलर के किए हैं। हमारी सीट कवर की फ्रंट की फिटमेंट फिनिशिंग
हम किस तरीके से फिट करते हैं, हर वक्त मैं कलाकारी की बात करता हूं आप लोगों के साथ, तो ये चीज़ की है हमारी मैट्स की फिट एंड फिनिशिंग, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन हाई ग्लॉस ब्लैक कलर का ये बहुत अल्टीमेट दिखता है दोस्तों। अभी जब मैंने बोला टॉप एंड से भी बढ़िया, ये कार में एक्टिव एम्बिएंट लाइटिंग भी पूरी हमने इंस्टॉल की हुई है, लेकिन जो मस्कुलर डी कट जो स्टेयरिंग है, अप एंड डाउन ड्राइविंग का असली जो प्लेजर है ये स्टेयरिंग में है। स्टेयरिंग ऑडियो भी लगा है, क्रूज कंट्रोल भी हाई ग्लॉस ब्लैक कलर का हमने इंस्टॉल किया है, लेकिन द मेन फैक्टर इज द स्टेयरिंग जो हर वक्त आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। प्लेयर हमने सेंटा रोजा 985 विथ AHD कैमरा विथ सोनी ES सीरीज के हमने इंस्टॉल किए हुए हैं। 360 की कनेक्टिविटी है इसके अंदर, लेकिन कस्टमर की रिक्वायरमेंट नहीं थी तो इसी के लिए हमने इंस्टॉल नहीं किया हुआ है। लेकिन आप लोगों के सामने हैं कि हम किस तरीके से काम करते हैं, हम किस तरीके से अपग्रेड करते हैं, इसी के वेंट्स वगैरह आप सब कुछ चेकआउट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द परफेक्ट लग्जूरियस इंटीरियर। क्रेटॉन जब बनती है ना दोस्तों, कस्टमर तो खुश होता है, सेटिस्फैक्शन हमको भी मिलता है। जब ये कार कस्टमर के घर जाती है ना, हर क्रेटॉन वालों का एक मैसेज आता है, थैंक यू सो मच, ये हमारी असली कमाई है। बोला सर आप कार जिस तरीके से अपग्रेड करते हो, हम कार किधर भी खड़ी करते हैं, हर आदमी बोलता है क्या कार बनाई है, तुम्हारा इतना दूर जाना 100% वर्थ इट होता है दोस्तों। साइड प्रोफाइल आप चेकआउट कर सकते हैं, फ्रंट प्रोफाइल ऑफ द कार आप चेकआउट कर सकते हैं, ये है हमारी क्रेटॉन जिसके लिए हम जाने जाते हैं, जिसके लिए हमने एक नाम दिया है क्रेटा टू क्रेटॉन, ये है बेस वेरिएंट। अब टाइम है रिव्यू का। कार आप देख चुके हैं क्रेटॉन, ये मध्य प्रदेश इंदौर से आई है, नंबर तक नहीं आया है दोस्तों। कार घर पर तब जाएगी जब ये क्रेटॉन में अपग्रेड होगी। ओनर ऑफ द कार मिस्टर अरुण जी हमारे साथ है, कैसा रहा इसका एक्सपीरियंस वो पूछना चाहेंगे, और क्रेटॉन बनाना वर्थ था कि नहीं वो तो हैरान हो गए, 6 घंटे में तो मैंने पूरी गाड़ी इनकी अपग्रेड कर दी है। लेकिन बिफोर एंड आफ्टर में जो ड्रास्टिक चेंज आता है उसकी कुछ बात कुछ और रहती है। अरुण जी मैं पिछले 3 महीनों से तनवीर भाई की वीडियो देख रहा था, मेरे पास ऑलरेडी 4-4 गाड़ी है, बट मेरा मन नहीं था कि मुझे एडिशनल गाड़ी लेना है, पर जब मैंने भाई की वीडियो देखी मैं इतना इंस्पायर हुआ कि मैंने कहा नहीं गाड़ी तो मुझे लेने का है। मैं 2 महीने से गाड़ियों का सारे शोरूम में पता कर रहा हूँ कि कहाँ पे अवेलेबल है अवेलेबल नहीं है, तो मुझे फाइनली मुंबई में गाड़ी मिली। मैं 2 दिन पहले मुंबई आया, पेमेंट किया, गाड़ी लिया, गाड़ी लेके सीधे तनवीर भाई के पास, अब गाड़ी मैं अपने घर लेके जाऊंगा। अभी मैंने गाड़ी की पूजा भी नहीं करी है, पूजा भी मैं अपने घर पर ले जाकर करने वाला हूँ, और जो उम्मीद से मैं आया था उम्मीद से डबल काम हुआ तनवीर भाई के पास। थैंक यू सो मच तनवीर भाई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी मैं क्या बोलूँ, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है मेरे को। सबसे स्टेयरिंग चाहिए, स्टेयरिंग चाहिए। स्टेयरिंग पे मेरा दिल आया था, और स्टेयरिंग तो मेरे को इतना अल्टीमेट मिला है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और भैया का वीडियो मैं मैक्सिमम 3 साल पहले आर्टिका थी, जब से मैं सोच रहा हूँ कि इनके पास आऊँ और मेरा वर्क करूँ, बाकी आने का मौका नहीं मिला। बाकी मिला ऐसा टाइम पर मौका कि क्या बताए कि गाड़ी में जान डाल दी, मतलब तारीफ के लायक मैं शब्द नहीं मिल रहे कि मैं क्या तारीफ करूँ, इतना बढ़िया रिव्यू मिला है मेरे को काम का। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये है क्रेटॉन, ये हैप्पीनेस है जो मैं हर वक्त आप लोगों को बोलता हूँ, कस्टमर खुश, हम कुछ जेन्यून चीज़ सजेशन देते हैं। लेकिन एक फिर से जाते आते जो सुपर स्पोर्ट्स जो स्टेयरिंग है, आप इसे मोल्ड देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है, ये एक अल्टीमेट है दोस्तों। ये ड्राइविंग का असली प्लेजर ये चीज़ के अंदर आता है। तो ये वीडियो, ये कॉन्सेप्ट, ये हमारी क्रेटॉन प्रदेश इंदौर और बैतूल जिले से आई है गाड़ी, वैसे ये काफ़ी दूर है, हम भी मौका मिलेगा तभी आएंगे। थैंक यू। ये वीडियो, ये कॉन्सेप्ट, ये क्रेटॉन हमारी किस तरीके से लगी है दोस्तों, कमेंट तो बनता है दोस्तों, कमेंट जितना आप करोगे उतना हमें मोटिवेशन मिलता है। ड्राइव सेफली एंड थैंक यू फ्रेंड्स वंस अगेन।